भी ज्वाइन किया था फेब्रुअरी 2019 में. इट्स बीन 8 years नाउ. मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था. आज नो ऑप्शन था जॉब क्या करूँ, तो मैंने SBI PO का सोचा. एंड देन मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, मुझे किसी ने बताया नहीं IIT के बारे में. ऑनलाइन मैंने सर्च किया बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसमें मुझे IIT का ऑप्शन दिखा. मैं बार बार सर्च किया, मुझे IIT दिखा. तो इट्स फार अवे फ्रॉम माई होम, बट स्टिल मैंने IIT को चूज किया क्योंकि इट वाज नंबर वन ऑनलाइन एटलीस्ट. तो मैंने ज्वाइन किया. एंड स्टार्टिंग में तो सबका ऐसा ही होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था. मुझे ये भी नहीं पता था कि सिलेबस क्या है, क्वांट रीजनिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता था. मैम ने मुझे बुक्स दिए, मैम ने कहा काउंट कर लो, सब कुछ है ना. मुझे पता नहीं था सब कुछ में क्या आता है. मैंने कहा जो भी आप दे दो वो सब कुछ है, मुझे इतना भी नहीं पता था फेब्रुअरी में. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. फिर मैंने मॉक्स भी दिए क्योंकि हमें मॉक्स में प्रिपेयर ऐसे, तो मैंने फर्स्ट डे से मॉक्स देना शुरू कर दिया. एंड मेरे स्टार्टिंग में आते थे 20 मार्क्स, 15 मार्क्स ऐसे आते थे. बट मैंने कंटिन्यू किया. मेरा कॉलेज का भी चल रहा था एंड मैं कॉलेज का ही पढ़ती थी और इस टाइम पढ़ती थी. कंसिस्टेंसी बनाए रखी मैंने. सो दैट इज वाई मेरा फ्री क्लियर हुआ. फ्री की कटऑफ पर बहुत हाई थी, बट थैंकफुल नहीं, मेरे अटेम्प्ट बहुत अच्छे थे. तो मेरा फ्री क्लियर हुआ, देन मेंस दिया मैंने, थोड़ा डाउट थे बट मैंने दिया. मैंने सिर्फ दो ही फॉर्म भरे अब तक, एंड दैट इज SBI PO एंड SBI क्लर्क. और होपफुली मेरा क्लर्क भी क्लियर हो जाएगा डिजाइन में. तो दोनों एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, दो एग्जाम से मैंने अब तक. And I think the best part of the preparation is that you have to give mocks. Mocks बहुत help करते हैं. Mocks के बिना आप कुछ नहीं हो. Mocks दो रोज रोज consistency बनाए रखो and you can clear it. And मैंने कर लिया first time. Thank you. And most importantly, teachers के बारे में बात करूँ तो you know maths में एक बहुत बड़ा myth है that you have to know tricks. आपको मैथ्स में बेसिक से स्टार्ट करना है. और दीपक सर एग्जैक्टली ये करवाते थे हमें. वो पहले बेसिक से स्टार्ट करते थे, वो पहले बताते थे कि वो टॉपिक है क्या, क्यों है. पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करते थे, पूरे लंबे स्टेप्स करते थे. उसके बाद ट्रिक्स क्या है और ट्रिक्स क्या है उसके साथ वो आई कहाँ से. तो मैथ्स में आपको ये जानना बहुत जरूरी है. आप ट्रिक्स जान के फ्री क्लियर कर लोगे बट आप मेंस में जाके फिर फेल हो जाओगे. तो सिर्फ फ्री करके क्या मिलेगा आपको. तो यू हैव टू नो द बेसिक्स फर्स्ट. बेसिक्स पे काम करो, उसके बाद ट्रिक्स पे आओ. और सच्ची बोलो तो मैंने कोई ट्रिक्स नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे काम किया क्योंकि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो आप तो कोई भी ट्रिक की जरूरत पड़ती नहीं. एंड देन रीजनिंग, तो रीजनिंग में वो बहुत सारे आइडिया फ्रेस सारे. एक बार हमारा एक पेप टॉक हुआ था, उसका सर कोई टीचर लेट था तो सर के पास टाइम था. थोड़ा सा सर आए थे तो SBI का नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आ चुका था उस टाइम. देन सर ने बताया कि हम वैसे ही पढ़ाई की बातें करने लग रहे थे, बट सर ने कहा कि कुछ डिफरेंट बातें करते. तो कुछ डिफरेंट बातों सर ने बताया कि हमें सिर्फ पेपर पेन लेके रोज रोज नहीं बैठना या एक प्रॉपर मीन्स प्रॉपर मॉक तो लगाना है. बट दे आर मेनी एप्स, बहुत सारे एप्स और उसमें रोज रोज क्विजेस आती छोटी छोटी और टाइम वेस्ट होती है. तो आप उनको रोज रोज दोगे तो आपको एक टाइम लिमिट में कोई भी क्वेश्चन करने का आपको आइडिया लग जाएगा. तो दैट इज वेरी वेरी गुड आइडिया. इंग्लिश में तो व्हेन आई जॉइन्ड IIT थी तो मेरा ठीक ठाक इंग्लिश था. तो I thought कि मैं इंग्लिश में बोलूंगी बहुत इजी. बट देन सबसे बड़ा जो इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है दैट ग्रामर नहीं आती लोगों को. लेकिन स्पीक बट ग्रामर नहीं आती, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है. और बहुत भी आती है तो भी कहीं ना कहीं जल्दी निकल जाती है. तो साथ ही सर ने ग्रामर में बहुत ठीक किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल. एंड देन GA की पार्टी है तो सर पढ़ाते हैं पांडे सर. एंड उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए गाइड किया था, इंटरव्यू जीने के लिए. एंड फॉर GA की प्रिपरेशन व्हाट यू शुड नो इज कि आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो. वैसे भी GA में इंटरेस्ट कम आता है, एटलीस्ट मुझे तो कम आता था. तो आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो एंड पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ी उपयोग देते रहोगे रोज रोज तो आपका GA हो जाएगा. एंड मंथली आप बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे स्टडी मटीरियल्स होते हैं ऑनलाइन भी. आप उनको पढ़ लोगे, गोल्ड आता है किसी का कुछ भी आता है मंथली, उनको पढ़ लो. एंड वन मोर थिंग,
लोग लोग क्या करते हैं, लोग ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है, इतने सारे वीडियोस है, यूट्यूब वीडियोस है, इतने सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, इतने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल एंड यू नो बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कहाँ से पढ़ो कहाँ से नहीं पढ़ो, और फिर लोग सजेशन सुनते हैं कि कहाँ से पढ़ रहे हैं कहाँ से नहीं पढ़ रहे, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करे कौन सा ग्रुप ज्वाइन नहीं करे। आई विल से कोई ग्रुप ज्वाइन मत करो ऑनलाइन का, कोई ग्रुप मत ज्वाइन करो। हाँ, आप इधर आते हो, उधर कुछ फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ ग्रुप बना लो, उनके साथ ग्रुप स्टडी कर लो, ऐसे टेलीग्राम वगैरह पे जाकर सिर्फ कंफ्यूजन होगी, बच्चे हम फालतू की बातें करते हैं, पता है मिस करते हैं, आप वो नहीं करो। और ऑनलाइन जो यूट्यूब वीडियोज है आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर लो, मैं नहीं बोलूंगी कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, आप खुद से देखो आपको कौन से टीचर अच्छे करा रहे हैं। आईबीटी की खुद का वीडियो है ऑनलाइन, तो वो भी देख सकते हो आप, खुद से फिल्टर करो आपको कौन सा सही लग रहा है, और स्टिक टू वन टीचर और स्टिक टू वन चैनल, तो आपको बहुत प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। बहुत सारा नहीं पढ़ना होता, थोड़ा सा पढ़ना होता है, पर ढंग से पढ़ना होता है, और उसको मॉक्स पे अप्लाई करना होता है। एवरी डे गिव अ मॉक, आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आता है। थैंक यू सर।